अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा को आपने देखा होगा, कैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा। ये पहली बार हुआ एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सम्मान दूसरे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा पैर छू करके अभिवादन के माध्यम से होता है पापुआ न्यू गिनी में। यह दृश्य आप सबने देखा है कैसे वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके देर शाम प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। प्रोटोकॉल ये कहता था कि सूर्य अस्त के बाद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत और अभिवादन के लिए नहीं जाता, लेकिन वे गए एयरपोर्ट पर स्वयं लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पर गए तो पैर छूकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान किया, अभिवादन किया। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और इस दौरान G7 समूह से जुड़े हुए दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो भाव था, उनसे मिलने के प्रति जो लालायित थे, या तो था ही। इसके साथ ही आपने वह दृश्य भी देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हमारे बॉस हैं, दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखते हैं। यह सम्मान का भाव अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा यह कहना कि इच्छा होती है कि मोदी जी हम आपका ऑटोग्राफ लें। भाइयों बहनों, यह भारत के प्रति दुनिया के अंदर बड़ा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान केवल इसलिए नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके अनथक परिश्रम से, प्रयास से, विजनरी लीडरशिप से, भारत के अंदर किए गए कार्यों से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने से, संकट के समय भारत को यशस्वी नेतृत्व देने के कारण और 140 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने का जो उनका अभूतपूर्व और चमत्कारिक नेतृत्व है, आज उसका परिणाम वैश्विक मंच पर भी धमक के रूप में दिखाई दे रहा है और इसलिए वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सम्मान का भाव उमड़ता हुआ दिखाई।